प्रिय देशवासियों, आज का एक गंभीर समस्या है कोविड की समस्या। यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। काफ़ी सावधानी और सतर्कता बरतने के बावजूद भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो लोग कोविड से प्रभावित होते हैं 14 दिनों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और देखा जाता है कि अगर उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि दोबारा जब वह टेस्ट कराते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, कुछ लोग निगेटिव हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि 14 दिनों के बाद उसमें जो संक्रमण होता है वह ज़िंदा नहीं होता है, वह न तो किसी को फैला सकता है। इस तरह से जब वो व्यक्ति दोबारा टेस्ट कराता है तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर उन्हें छाती में दर्द, सांस फूलना, चलने के बाद सांस फूलना प्रतीत होता है तो प्रमुख डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें 3 प्रकार का टेस्ट करा लेना चाहिए। ये 3 प्रकार का टेस्ट है CRP, IL-6 और D-dimer। ये 3 टेस्ट को इसलिए कहा गया है कि जब D-dimer कराया जाता है तो इससे पता चलता है कि शरीर में कोई थक्का तो नहीं जम रहा है और देखा जाए तो ये 3 टेस्ट का विशेष महत्व है और इससे पता चलता है कि भविष्य में उसे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। अगर कुछ संक्रमण होगा तो दवाई के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है, जैसा कि प्रमुख डॉक्टरों का कहना है। अंत में मैं सभी भारतवासियों को इसके प्रति सजगता रखने की बात कहना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, नींबू पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिंक का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए और जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें धूप का सेवन करना चाहिए और इसके अतिरिक्त स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि बर्तनों पर गर्म पानी देकर धोने से कीटाणु मर जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें जिससे सभी नागरिकों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।